ये मामला है मिडिल ईस्ट के एक शहर जेरूसलम का। शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी पर एक आयताकार प्लेटफॉर्म है जिसका क्षेत्रफल करीबन 35 एकड़ का है। इस परिसर यानी कंपाउंड को यहूदी कहते हैं हर हवायत यानी टेम्पल माउंट, और इसी परिसर को मुस्लिम कहते हैं हरम अल शरीफ। यहूदियों का मानना है कि इसी जगह पर ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम को बनाया गया। एडम माने वो पहला पुरुष जिससे इंसानों का अस्तित्व शुरू हुआ यहूदियों के मुताबिक। इसके अलावा यहूदियों की एक मान्यता और है जिसके मुताबिक यहूदियों के एक पैगंबर थे अब्राहम। एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इज़ाक की बलि देने के लिए कहा। अब्राहम बलि देने के लिए ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे, और जब अब्राहम इज़ाक की बलि देने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक भेड़ के साथ एक फरिश्ता भेजा और अब्राहम की भक्ति से खुश होकर इज़ाक की जगह भेड़ की बलि देने को कहा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इसीलिए यहूदियों के राजा सोलोमन ने करीबन 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ एक मंदिर बनवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल नाम दिया गया। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद सन 516 ईस्वी पूर्व यहूदियों ने फिर से इस मंदिर को बनवाया और नाम रखा सेकंड टेम्पल। लेकिन आगे चलकर सन 70 ईस्वी में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इस मंदिर की दीवार आज भी मौजूद है, इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यहूदी आज भी उसी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदियों की बात, अब बात करते हैं दूसरे दावेदार मुसलमानों की। वैसे तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी मुस्लिम गए वहाँ उनके ऐसे ही धार्मिक जमीनी विवाद है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये कुछ ज्यादा खास है। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की तीन सबसे पवित्र जगह है, जिनमें से पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे पर मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम की यही 35 एकड़ की जमीन। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान के मुताबिक सन 621 ईस्वी में एक रात पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से उठकर वो जन्नत चले गए। जन्नत में जाकर उन्हें अल्लाह के कुछ आदेश मिले जिनमें कुछ मुख्य सिद्धांत बताए गए, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और ऐसे कई सिद्धांत। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके 4 साल बाद ही मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और तब यहाँ पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासक था। मुसलमानों ने जेरूसलम को जीता और फिर आगे चलकर यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा अल अस्का मस्जिद। अस्का का अरबी में मतलब है सबसे ज्यादा दूर। और इसी मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुम्बद वाली इमारत बनाई जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। मुसलमानों का मानना है कि सदियों पहले उस रात पैगंबर मोहम्मद ने उड़ने वाले घोड़े के साथ पहला कदम जहां रखा उसी जगह पर बनी है अल अस्का मस्जिद, और जिस जगह से उठकर वो जन्नत गए उसी जगह पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें उसी 35 एकड़ एरिया के अंदर है जिस लोकेशन को यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की जगह मानते हैं। और अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध यहूदी और मुसलमानों के बीच ही है और वजह भी वही पुरानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ राजनीतिक और आर्थिक हित भी इसमें शामिल हो गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।